हम लोगों ने बाढ़ के बारे में जाना, उससे बचाव, नाव दुर्घटना, ये सब जाना, बाढ़ से बचाव। लेकिन ये अभी सितंबर का पहला सप्ताह है और ये फागुन महीना है, यानी कि अब बाढ़ समाप्ति पर है, बाढ़ समाप्ति पर है, समझ रहे हैं ना? तो इस समय क्या होता है, डायरिया बहुत होता है। क्या होता है? डायरिया बहुत होता है। एक बच्चे डायरिया, अब अभी बता रहे थे तो डायरिया क्या है, डायरिया के बारे में जानिए। बाढ़ के बाद, बाढ़ जब आती है तो गंदगी लाती है साथ में, एक ही याद रखिए। जब वो पानी सूखने लगता है गड्ढा में, जहां तहां वो फंस जाता है पानी, तो उसमें इतना दुर्गंध होता है, उस पानी में बहुत दुर्गंध होता है, और उससे क्या करते हैं लोग, मछली मार के खाने लगते हैं, कच्चा पक्का मछली बना बना के सब खाते हैं, दूषित पानी का उपयोग करते हैं, दूषित पानी का उपयोग करते हैं, स्वच्छता नहीं अपनाते हैं, तो क्या होता है उसके साथ पेट में क्या चला जाता है, कीटाणु, जीवाणु चला जाता है। जब जीवाणु कीटाणु उस गंदगी पेट में चली जाती है तो क्या होता है, डायरिया, यानी पतला पैखाना, भोजन नहीं पचता है, पतला पैखाना, इतना पतला पैखाना होता है, इतना होता है, क्योंकि हमारे शरीर में तीन भाग पानी है, कितना, तीन भाग, और एक ही भाग में अस्थि मज्जा जो भी है, तो वो पानी, जितना पानी निकलना चाहिए उससे ज्यादा पानी जब निकलने लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद, नस सिकुड़ने लगता है, नस सिकुड़ने लगता है। जब नस सिकुड़ेगा तो नस में ही हमारा ब्लड जो है दहते रहता है, वो धमनी सिरा सब गड़बड़ाने लगता है शरीर का फंक्शन। जब शरीर का फंक्शन गड़बड़ाने लगता है तो हम मृत्यु के शिकार भी हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, स्वच्छता अपनाना चाहिए, बासी सड़ा गला चीज नहीं खाना चाहिए, और पानी खूब पिए, ऐसा पानी पिए स्वच्छ पानी पिए, उबाल करके पानी पिए, ढका हुआ पानी पिए। तो इससे बचने के लिए अगर किसी को डायरिया हो जाए तो क्या करना चाहिए, जीवन रक्षक घोल प्राथमिक उपचार है ये, क्या, एक लीटर साफ स्वच्छ पानी में 6 चाय चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक से जीवन रक्षक घोल हम बना सकते हैं। साफ स्वच्छ पानी 1 लीटर ले लिए और उसमें 6 चम्मच चीनी डाल दिए और 1 चुटकी नमक डाल के घोल करके हम उसको पिला सकते हैं। और ऐसे भी सरकारी अस्पताल में ORS घोल का एक पुड़िया मिलता है, अगर वो बटा रहा है तो ठीक है, उसको भी घोल बना के हम दे सकते हैं, ठीक ना? नहीं तो नहीं मिला तो जरूरी है कि सरकारी अस्पताल में हमको हमेशा मिल जाएगा। ऐसे दुकान में भी इलेक्ट्रिक पाउडर मिलता है ना, उसका भी हम घोल बना के पिलाते हैं जिनको डायरिया हुआ है। और उसके बाद जब कुछ नहीं रुक रहा है लैट्रिन और उल्टी भी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, लैट्रिन नहीं रुक रहा है, पतला पैखाना ऑटोमेटिक होने लगेगा, इतना कि पता भी नहीं चलेगा कि हम पैखाना कर रहे हैं, पतला छह रहे पैखाना होगा और वो भी दुर्गंध, दुर्गंध भी बहुत, तो तुरंत जो है हम डॉक्टर के यहाँ ले जाए। पहले तो प्राथमिक उपचार करें, ORS घोल तैयार करके, जीवन रक्षक घोल हम तैयार करें, उसके बाद हम कहाँ लेके चले जाए, तुरंत देरी की, एकदम देरी इसमें नहीं करना है। अगर हम देरी करेंगे तो पानी जो शरीर का है वो समाप्त हो जाएगा, और पानी समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। अच्छा खड़ा होकर आप बताइए तो, आपके पिताजी को रात में क्या हुआ था, जोर से बोलिएगा, क्या हुआ था रात में? अभी चढ़ रहा है, कहाँ है वो? सरकारी हॉस्पिटल में। तो कब से शुरू हुआ था डायरिया? 5 बजे भोरे, आज भोरे में कल? अच्छा उसके बाद उधर रखिए, उसके बाद चाचा लेकर के हॉस्पिटल चले गए। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार तुम लोग नहीं कर पाए, एक ORS घोल तैयार करके, इसको जीवन रक्षक घोल इसीलिए बताना पड़ता है, जीवन रक्षक घोल तत्काल दीजिए तुरंत। वो तो घर में पानी है ना, चीनी नमक रहता है कि नहीं, तो उसको पानी को गर्म करिए, पानी जब गर्म हो जाए ठंडा कर दीजिए, ढक के रखिए और चीनी उसमें चम्मच से डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए और घोल तैयार करके, तीन वाली चीज, यही चीज दी थी,
ठीक है जी, इसीलिए तो तुम्हारे पापा बच गए, इसीलिए कि वो प्राथमिक उपचार जो हुआ उसके चलते बच गए। अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या खाए थे? दाल रोटी सब्जी। किस चीज की सब्जी? वही खाए? ज्यादा कुछ खा लेते क्या दिन? मछली उछली नहीं खाए थे? कहीं गड़बड़ हुआ है? बिना गड़बड़ हुए और अभी बरसात है, गर्मी है, खाना कुछ कम ही भोजन कुछ पदार्थ कम खाना चाहिए, लिक्विड थोड़ा ज्यादा, जो तरल पदार्थ है उसका ज्यादा सेवन करें, ठोस पदार्थ जो है कम खाएं। तो ये आज की जानकारी समझ गए? तो बोलिएगा ना घर में कि मैडम जो है जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए कैसे बताई थी, बोलिए, बोलना है ना। इससे हम जान बचा सकते हैं, इसीलिए इनके पिताजी बच गए क्योंकि इनकी मम्मी ने 3 बार जीवन रक्षक घोल बना के पिलाई, इसीलिए हॉस्पिटल तक वो पहुंच पाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता, यानी कि खबर अच्छी नहीं मिलती। अभी बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, पानी 10 बोतल पानी चढ़ा और सुई भी पड़ा होगा, सुई तो तुरंत पड़ा होगा ताकि तुरंत उनका लड़की रुके, जाते ही पड़ा होगा, ठीक है तो ठीक लगेगा।